welcome back as i told you that now uh, we will discuss about transformers because uh, transformers also have uh, mutually coupled circuits and it becomes important to understand transformers in details or at least have an eagle eye view of uh, the working of transformer as well as

Which does what? Up converts or down converts AC voltages. Okay. It is an electrical device which up converts or down converts electrical AC voltages. Just say. अगर आपने पी एच एम फोर जीरो फोर में मेरे साथ लैब किया तो आपने देखा हम मेन टू ट्वेंटी वीपीपी टू वी पी पी लेकर जो दो सौ बीस वोल्ट आते थे उसे हम ट्वेल्व वोल्ट जीरो ट्वेल्व वोल्ट में तोड़ते थे सो दैट वी कुड यूज इट ऑन आर बोर्ड जब हमने टक्ट्री सर्किट बनाया था तो वी यूज वन ट्रांसफॉमर दो ट्रांसफॉर्मर वॉज टू स्टेप डाउन द वोल्टेज कुछ स्टेप अप भी कर सकते हैं यू आर गिविंग इट सिक्स कैन गेट ट्वेल्व लाइक दिस ओके सो इट एक्चुअली ट्राइज टू अप कन्वर्ट और डाउन कन्वर्ट the voltage amplitude but you remember i always emphasize that it can only and only change the voltage it cannot increase the power or decrease the power the power in the secondary end and the primary end should remain same so in transformers power remains same in कुछेशन okay. हो सकता है बट अगर हम डिपेशन को कर दें, कर दें, तो पावर जो है वो दोनों एंड पे सेम होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल लेट इस ट्रांसफॉर्मर टू बी अ टू पोर्ट नेटवर्क कुछ सर्किट है यहां पर दो तार निकले हुए हैं और यहां पर दो वायरस निकले हुए हैं एक्चुअली हमें पता है इसमें दो कॉइल्स हैं ऐसे है ना जो किसी मैग्नेटिक कोर पे बाउंडेड है वाइंडिंग कर दिए आप यहां से करंट दे रहे हैं आई वन यहाँ से करंट दे रहे हैं आई टू यहा वी वन यहां वोल्टेज है वी टू एक्चुअली क्योंकि हम करंट यहां से देते नहीं है वापस लेते हैं तो यू हैव टू टेक दिस डायरेक्शन ऑफ करंट तो नेगेटिव साइन ले लीजिएगा यहां पे हम डिसाइड ऐसे करते हैं टू पोर्ट नेटवर्क में आई टू बट The direction is we are drawing out the current, right? So we can take it like this. But remember that the given power is I1 V1. That's how you write power, voltage into current. And it has to be equal to the output power, which is I2 V2. Now I am saying that because it is a step down transformer, let's say, so this is a step down transformer. If this is a step down transformer, then V1 would be greater than V2. फाइन V1 ज्यादा होगा V2 कम होगा तो आप बताइए इस इस equation को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे मान लीजिए V1 I1 और पे i राइज कर जाएगा तो भले ही आप स्टेप डाउन कर देते हैं बट द पावर रिमेन सेम एंड देयर फोर द करंट इंक्रीजेस फाइन सिमिलरली अगर आप स्टेप अप करेंगे स्टेप अप करने का मतलब है ज्यादा वोल्टेज यहां ड्रॉप ड्रॉ करना चाहेंगे देन करंट वुड रिड्यूस आप इनफिनिट पावर नहीं जनरेट कर सकते कभी भी वरना तो बहुत आसान रहता केवल कुछ करोड़ बार आपको कॉपर की कॉयल लेनी होती उसे एक आयरन मैग्नेटिक कोर पे उसे वाउंड करना होता वाइंडिंग करनी होती और आप मेगावाट्स uh, वाट्स क्या ट्रिलियन वाट्स ऑफ वोल्टेज बना सकते थे आपने यहाँ से दो वोल्ट दिए वहां पे ट्रिलियन कॉइल्स हैं

Okay. And therefore the values of current adjust in input and output or primary and secondary coil. Okay? Next is we should understand what is an ideal transformer. As I was uh, telling you last time, if two coils are placed in the vicinity of each other, then the flux of one may go in the other, or the flux of one may not go in the other.

कि परफेक्ट ट्रांसफॉर्मर में केवल और केवल वोल्टेजेस फॉर एग्जाम्पल हेयर यू हैड वोल्टेज वोल्टेजर यू हैड वोल्टेज यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो है आई वन और यहाँ करंट का डायरेक्शन है आई टू फाइन और जो टर्न रेशियो है मान लीजिए एन वन इज द नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल वन एंड एन टू इज नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल टू आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट आइडियल ट्रांसफॉर्मर देन Small n, which is given by n1 upon n2, we call this as turn ratio. Turn ratio, okay. And the voltage ratio, V1 and V2, actually just depends on turn ratio. Also, the current depends on turn ratio, but like this, okay. So, current ka.

I2 upon I1, then I can write that V1 I1 is equals to V2 I2, okay? And this is actually equals to n. Fine? That's how we write it. Power same हो गई. अब यहाँ पे minus का मतलब है dissipate हो रही है. You are drawing power. यहाँ positive का मतलब है it was being produced. कैसे भी बाहर से ली आपने uh, main source से लगाया electricity से लगाया. The anyways, but it means this. And in case of uh, ideal transformer, you should note a few things that um, uh, it is supposed to have large coils. Why large? You will get to know it in a moment. Okay. When we will understand the perfect transformer. Perfect transformer ki the idealness to pioti, but we will see how that is possible. दूसरी चीज आपको बताएंगे कि जो फ्लक्स लीकेज है वो जीरो है सो लीकेज फ्लक्स है ओके okay. और कोई पावर एब्जॉर्ब नहीं होगी अगर फ्लक्स परफेक्टली कपल्ड है तो एब्जॉर्ब्शन ऑफ पावर या एब्जॉर्ब्शन मतलब फालतू में खर्च करना इज जीरो It means a lossless transformer is there but nothing like this exists but we should need like agar hum ideal cheez par na pahunch paye to kam se kam near ideal to pahunche hain near ideals are called as perfect because it is perfectly coupled मतलब flux leakage जो है वो zero है ideal के केस में there is no flux leakage इसीलिए there is no concept of mutual inductance in fact self inductance ka bhi koi concept nahi bachta hai why we are only concerned about turn ratio and that's it केवल रेश्योस हैं जो कि कुछ कांस्टेंट हैं दैट दैट वर्क्स दैट्स वे वी से दैट एन आइडियल ट्रांसफार्मर does not require representation in mutual inductances and therefore no dot convention is required okay there is no dot convention is required for this now come to so this is the things which i want you to remember about ideal transformer okay now come to perfect transformer and here are a few things which i want you to remember about uh, perfect transformer so abate to perfect transformer pe. okay so here you have a coil you have another coil it does require dot convention. For first case, let us take dot on same end. Okay, for simplicity. This is coil one, this is coil two. Now we have to write the flux linkage equation. The flux which passes through coil one is actually the flux which passes through coil one only plus the flux which passes through coil one and coil two. flux Similarly, for phi two, you can write.

For example, if I say coefficient of coupling in 1, it is the ratio of 5 and 2 upon 5 1. Means it is trying to find out what is the ratio of the flux in 5 and 2 and 5 1. So 5 and 2 kya flux because of flux because of 2 in 1. And what is five one? It is total five one one plus five one two. So five one one plus five one two upon five one one. We are doing here five one two upon five one one plus five one two. It's like this. Similarly, there is another thing which is called as k two, and it, it is given by two one upon five two. Okay, coefficient of coupling. And because we know that the effect of one coil on the other has to be same, so K1 is actually considered to be equals to K2. K1 is equals to K2. Fine. And you know that yahan se dekhe से देखें अगर आप तो दोनों same maan sakte मान सकते हैं एक दूसरे का dusre एक दूसरे पर but होगा se यहाँ से आप देखें अगर मैं K1 को लू जो कि अब मैं एक छोटी सी डेफिनेशन बोल रहा हूँ कि दिस देर इज नथिंग लाइक केवन के टू देर इज ओनली वन थिंग विच इज केक ओके अगर मैं इस K को लेता हूँ देन आई कैन कंसिडर दिस टू बीवल्स टू वॉट फाइव वन वन प्लस फाइव सॉरी इट इज इफ आई एम टेकिंग के इट इज फाइव वन टू अपॉन फाइव वन वन प्लस फाइव वन टू सो यू नो दैट ये वाला टर्म है इसमें डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा सो इट हैज टू बी इन मोस्ट केसेस लेस देन और इन केसेस इक्वल्स टू वन अगर फाइव वन वन जीरो हो जाए तो फाइव वन टू अपॉन फाइव वन टू हो जाएगा So that's how we take it at five and two is less than equals to one, and definitely it has to be greater than equals to zero. So the bound aya hamare pas k par, we consider that to be equals to greater than equals to zero or less than equals to one. If it is one, agar dekhi isko one se chota hona padega. या जीरो से तो बड़ा होना ही पड़ेगा तो coefficient of coupling की value किसी भी केस में जीरो या वन के बीच में रहे ओके okay. अब अगर आप परफेक्ट ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो ये जो ऑफ कपलिंग है फॉर परफेक्ट ट्रांसफॉर्मर ये वन के बराबर होता है इट इज इक्वल्स टू वन इफ आई से इट इज इक्वल्स टू वन इसका मतलब क्या हुआ अब इस रेशियो से हम कैसे समझ सकते हैं इसे यहां तो पॉसिबल ही नहीं है इसको समझना बट परफेक्ट ट्रांसफार्मर में होता ये है कि एक का फ्लक्स दूसरे में 100% परसेंट कपल्ड हो जाता है तो दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि फाइव वन टू इज इक्वल टू यहां से ऐसे देखें फाइव वन टू यानी जो सेकेंड का फ्लक्स है फर्स्ट की वजह से इज इक्वल टू फाइव वन इट यानी टोटल वैल्यू विच इज द फ्लक्स इन फाइव इज इक्वल टू द फ्लक्स विच इज कॉज बाय द फाइव और द सेकेंड कॉइल थोड़ी सी अजीब चीज लगती है बट दैट्स दट द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट ट्रांसफॉर्मर इज ओके दैट इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट ट्रांसफॉर्मर इज ये भी प्रैक्टिकल कंडीशन में इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है बट नियर आइडियल है ओके तो इट इज वेरी टफ टू गेट सच ट्रांसफॉर्मर सो यू हैव टू बेयर विद इट की सर ऐसे कैसे हो सकता है कि रेशियो भी वन हो जाए और आप ये भी लिख रहे हैं सो आई एम सेइंग दैट इट इज समथिंग लाइक एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई Is equals to one and nothing is zero in this case. Okay, it's a bit tricky, but physically we can understand that there is a value in phi one and there is a value because of uh, phi two in phi one and these are both same. That's it. Fine. Another thing which you would surprise or might not like is uh, definition of mutual com uh, uh, inductance in between these two coil M so the mutual inductance m is actually is actually defined as k times the geometric mean of self-inductances. Se practically, the is practically e experimentally tabiik formula mila hai, that it is equals to this and you just remember this and that's it. that in case of transformers, the mutual inductance is equals to k times the geometric mean of self inductance another thing which you might not like today but you need to remember it okay therefore we can always say because k ki value to one se choti hi wali hai, ya one ho sakti hai so in perfect transformer m is equals to l1 l2 because k is one for perfect transformer this is going to be the case

ठीक है, so, there are few things in today's class, जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी बट uh, वो प्रैक्टिकली डिटरमाइंड हैं इसीलिए आपको बताई जा रही हैं। तो एक चीज तो ये कि perfect transformer में यू नो वॉट इज कोदर थिंग दैट द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज के टाइम्स जोमेट्रिक मीन ऑफ सेल्फ इंडक्टिस ऑफ बोथ कॉइल and therefore in general the mutual inductances has to be less than or equals to the geometric mean of the two and in per case of perfect transformer the geometric mean of l1 and l2 is equals to the mutual inductance fine that's how we wrote it or that's how we write it now write the voltage equations now we have to prove something very important we have to find out a relationship between the perfect and the ideal transformer okay you might take some time to digest what is thrown over here. Mathematically, you would uh, say that sir, maths does but physically, it is uh, correct. Experimentally verified. Okay. So you just keep these two things in mind, and then suddenly say that if K1 equals to K2 is equals to one, then the transform is called the perfect transform. Anyways, let me flip the page and tell you something important. So you have an इंड कपल्ड विद एन अदर इंड आई दिस एजेक्ट ट्रांसफॉर्मर एनी वेज कितना भी परफेक्ट हो अगर ये V1 है और ये वी टू है लेटमी कॉल दिस इज आई वन एंड लेटमी कॉल दिस इज आई टू तो कुछ चीजें अपने आप यहाँ पर फॉलो होने लगेंगी एंड दैट वुड बी रिलेशनशिप बिटवीन वी वन एंड वी टू यू नो दैट एक है एल वन डी आई वन बाई डी टी लास्ट टाइम वो जेओ मे का लिख दिया था बिकॉज ट्रांसफॉर्म इम्पीडेंस में ऐसा लिख सकते हैं देन यू हैव टू राइट एम डी आई टू बाई डी टी फॉर वी टू यू हैव टू राइट एल टू डी आई टू बाई डी टी एंड बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इट इज डी आई वन बाई डी टी एंड फिलहाल मैं कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि डॉटेड एंड सेम जगह हैं तो ऑल आर गोइंग टू बी पॉजिटिव नो वरीज विद वे Because it is given that the transformer is perfect, I also know one relation that M is equals to under root of L1 into L2. Okay. Also, I can write that K equals to one. So because my transformer is perfect, this is the only reason. Now, if I put this in two equations, then what I will get is this: V1 is equals to L1 di1 by dt plus under root of L1 into L2 di2 by dt. Similarly, I can write V2 is equals to L2 di2 by dt plus under root of L1 L2 di1 by dt. Okay, that's how I can write. Now I can take L1 square root common from this equation. So I can write now

So it will be under root of L two di two by dt plus under root of L one di one by dt. These two equations. is a perfect transformer? We have these two equations. Left. If you divide the two equations, I am saying that if you take v one by v two, which is now going to be the ratio L one by L two, but you know that in an ideal transformer, v one by v two is equals to n so the turn ratio of an ideal transformer is equals to the turn ratio of an ideal transformer is equals to the square root of the ratio of the self inductances n is turn ratio of ideal transformer <coughs> okay this is turn ratio of ideal transformer itna yaad okay तो हमने कुछ नहीं किया है जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की थियोरी पढ़ी थी लास्ट टाइम या लास्ट लेक्चर में उसे बस इन्वॉल्व करके एक चीज निकाल ली है कि द वोल्टेज रेशियो इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस एंड बिकॉज द वोल्टेज रेशियो इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल्स टू एन देअियल ट्रांसफॉर्मर टर्न रेशियो इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ एलवन एंड एल टू रेशन एंड Now we will use this fact <coughs> in order to find out a relationship between perfect and ideal transformer. Let me use another page for that, and let me come back to this first equation. Agar a first equation so what you can write in impedance transform way is this. You have I one j omega L one plus अब uh, तो एम जे ओमेगा से रिप्लेस किया हुआ है या लिख सकते हैं वी वन इज इक्वल्स टू आई वन इंटू एस एल वन प्लस एम टाइम्स इंटू एस या एम एस आई टू आई कैन राइट इट लाइक अब यहां से अगर मैं आई वन की वैल्यू फाइंड करूं वॉट इज गोइंग टू बी आई वन यू सी आई कैन राइट दैट आई वन इज इक्वल एल वन इंटू एस यहां से देखें आई वन निकाल रहे हैं तो पूरे टर्म को एल वन इंटू एस से डिवाइड दे दिया और ये वाला टर्म माइनस में ले जाएंगे माइनस एम एस अपॉन आई टू अपॉन एल वन एस

अब देखिए ये एल वन से एक नीचे रूट एल टू बचेगा तो मेरे पास फाइनली जो होगा वो होगा वो फाइनलीफ एल टू अपॉन एल टू अपन एन तो यहां मैं लिख सकता हूं एक्चुअली आई वन इज इक्वल्स टू वी वन अपॉन एल वन एस माइनस आई टू अपॉन एन तो आई वन मे देर इज एन इफेक्ट ऑफ आई टू इनफेक्ट

ऑफ टू सोर्सेस अब क्योंकि ये वी अपॉन एल एस की फॉर्म में है तो आई कैन कंसिडर दैट वी बाई आर इज आई राइट तो यहां से हम देखेंगे तो इट वुड लुक लाइक दिस वी वन है इसकी वैल्यू एल वन एस है एंड दिस इज माई आई वन लट्स है ओके दिस इज माई आई वन तो एक चीज तो पता चल गई वन अपन ये करेंगे तो ये आई वन आ जाएगा इसका डायरेक्शन यही होगा प्लस इस नोड पे एक और चीज भी आनी चाहिए क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी आई के ऑपोजिट डायरेक्शन में वैल्यू हमें नहीं पता बट इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू पता है इट इज आई टू बाई एन

I1 डैश लिख सकता हूं सो एक्चुअली देर इज I1 वन मैंने लिखा है विच इज इक्वल टू I2 टू बाई एन तो यहां देखें इतने पोर्शन में इतने पोर्शन में इट फॉलोज द रिलेशनशिप अब ये माइनस साइन है यू नो दैट बिकॉज इट इज ऑफ हैविंग एन ऑपोजिट डायरेक्शन दैट्स इट इतने पोर्शन में अगर मैं देखूं देन आई कैन राइट

Is contained in perfect transformer. Ideal transformer is contained in perfect transformer. Okay. And this is how you need to remember it. Done. That's how you do it. Now you see that no matter what, under root of L1 and L2. और L2 और L1 का रेशियो कुछ भी होता रहे ये कुछ चीजें हैं जो समझनी है होते रहे लेकिन ये रेशियो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है ठीक है ये कितने भी ज्यादा रहते रहे ये रेशियो इज गोइंग तो टू बी कॉन्स्टेंट फाइन पहली चीज दूसरी चीज आप देखें <coughs>

एन इज इक्व टू माइनस आई टू अपॉन आई वन अब वो डैश भी गया अब वो कंटेनमेंट भी गया अब तो पूरा का पूरा परफेक्ट ट्रांसफॉर्मर बिकम्स आइडियल तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर केस में हैज़ बी इज़ नॉट पॉसिबल ओके तो आप ध्यान कीजिए वो डेफिनेशन जहां मैंने आपको ये बताया कि that there are large primary and secondary coil inductances. ज़्यादा coil होगी, ज़्यादा inductance हो जाएगा. This is it. और एक ideal inductance में एक और point note कर लीजिए, मैं बताना भूल गया. एक ideal inductance में जो resistance होना चाहिए, वो zero होना चाहिए. Inductor is what? Just a wire which is molded in a shape of a coil. What is inductance of ideal wire? Zero.

That if L1 tends to infinity, then only we will have an ideal transformer. Okay, so we can write that if only L1 tends to infinity, perfect and ideal transformer r same. आपने L1 बराबर infinity कर दिया। आप देख रहे हैं ये सारी कवायद perfect transformer के लिए थी। लेकिन देखा कि अगर एलवन को इन्फिनिट कर देंगे तो वो तो आइडियल की तरह बिहेव करने लगेगा ओके okay? पहली चीज दूसरी चीज ये अगर ऐसा हो कि दोनों ही इंफिनेट हो जाने लगे देन यू नो हैव टू अप्लाई सम कितने भी बड़े हो जाएं, नो मैटर वॉट द रेशियो इज कॉन्स्टेंट ओके इफ द रेशियो इज कॉन्स्टेंट देर फोर

ideal and perfect transformer i'll give you a small homework that uh, try to find from internet why we consider and how we consider that coupling coefficient can be 1 coupling coefficient can be unity or 1 how is it possible to have coupling coefficient equals to unity okay so coupling coefficient equals to unity how is this possible and that you have to just tell me on WhatsApp. Okay. <clears throat> so, you see how possible? I'm actually arranging the The sign of it now it's up to you you have to find out about coupling coefficient going to one meaning or so yes the recording is still on and I was actually my screen freezed here I thought everything is gone now but it's fine सो so, तो ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है आपको मुझे व्हाट्सएप पे ड्रॉप करके बताना है कि सर हमें ये समझ आया इस चीज से दैट्स इट थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू सी यू इन नेक्स्ट क्लास व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट रेजोनेंस